वैसे तो आज के ज़माने में यह कहावत प्रचलित है कि भाई की भाई से नहीं बनती, लेकिन कई ऐसे भाई भी हैं जिनकी जान एक दूसरे में बसती है। जी हाँ, बात झुंझुनू के सदर थाना इलाके के शीशिया गांव की कर रहे हैं, जहां पर दो भाइयों की जान महज 11 मिनट के दरमियान ही चली गई। जानकारी के मुताबिक सीकर जिले में टीचर 44 वर्षीय विजय सिंह अपने खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी सूचना पर पड़ोस वालों ने विजय सिंह के सबसे बड़े भाई और झुंझुनू फुटला बाजार डाकघर में पोस्टमार्टम रामनिवास को दी। वहीं मंझला भाई शीशिया में ही डाकपाल राजेश को दी। दोनों भाई खेत की तरफ दौड़े, लेकिन बड़ा भाई रामनिवास पहुंचा उससे पहले ही मंझला भाई राजेश खेत में पहुंचा और विजय सिंह को गाड़ी में बैठाकर झुंझुनू के लिए रवाना हो गया। खेत के बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा भाई रामनिवास जब घर पहुंचा और पैसे लेकर झुंझुनू जाने के लिए कहने लगा, इतने में ही उसे भी हार्ट अटैक हुआ, जिसे भी झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया। मंझले भाई राजेश ने बताया कि दोनों ही भाइयों को हार्ट अटैक की सूचना में महज 11 मिनट का फासला रहा। दोनों को बीडी के अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिनका रविवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे गए हैं। गांव में गमगीन माहौल है, वहीं दोनों का एक साथ दाह संस्कार कर दिया गया। तीनों भाइयों में दो भाइयों के निधन के बाद मंझले भाई राजेश ने बताया कि हम तीनों भाई पास पास ही अलग अलग रहते थे, लेकिन एक दूसरे में प्रेम कहीं कम नहीं था। सबसे बड़े भाई रामनिवास की हर बात हम दोनों मानते थे और हमारे भी बड़े भाई सुनते थे। बड़े भाई रामनिवास को 2-3 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जबकि विजय सिंह को पहली बार ही हार्ट अटैक हुआ। रामनिवास भी दौरा दौरा पहले खेत की तरफ आया और बाद में घर की तरफ गया। साथ ही उसे विजय सिंह के हार्ट अटैक होने का सदमा भी था, इसलिए उनका भी निधन हो गया। चंद्रराम जाट के तीनों बेटे न केवल सरकारी नौकरी में, बल्कि इनका पूरा ही परिवार पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ा बेटा रामनिवास पोस्ट मास्टर था, तो दूसरे नंबर का राजेश भी डाकपाल है, वहीं तीसरे नंबर का विजय टीचर था। रामनिवास का एक बेटा चंडीगढ़ पुलिस में है, तो एक बेटी की शादी कर दी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वहीं विजय सिंह का एक बेटा नेवी तथा दूसरी बेटी कोचिंग कर रही है। मैं राजेश कुमार पुत्र श्री चंद्र राम गाँव शीशिया से बोल रहा हूँ। मेरा भाई विजय सिंह, जिनकी उम्र 44 साल, वो खेत में काम कर रहा था, उनके अचानक अटैक आया और उसे बड़ा भाई रामनिवास पुत्र चंद्र राम उससे बता दी। उन्होंने मेरे को सूचना दी, तब मैं भाग कर गया। उनको मैंने हड्डी के माँ डालकर झुंझुनू के लिए प्रस्थान किया। उनके बाद में बड़े भाई साहब घर के पास आकर खड़े हो गए। मैंने उनको लेकर, छोटे भाई को लेकर मैं झुंझुनू पहुँचा। इतने घर वाले ने फ़ोन किया कि रामनिवास के भैया ठेक आ गया, तो उसको दूसरी गाड़ी में लेकर झुंझुनू पहुँचे और वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 11 मिनट का सर, 11 मिनट का। मैं 6:46 पर यहाँ से रवानगी दी, वहाँ पर 6:57 को हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ घर वालों ने फ़ोन किया कि रामनिवास के भी अटैक आ गया और उन्होंने गाड़ी में डालकर जुर्म ले गए। तो राजेश रूप चंद्राराम जाति जाट निवासी शीशिया ने एक रिपोर्ट दी कि मेरा छोटा भाई विजय सिंह शाम को 6 बजे करीब खेत में काम कर रहा था, जिसकी अचानक तबीयत खराब होकर बेहोश होकर गिर गया, जिसको झुंझुनू हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में लेके आए, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस समाचार को सुनकर उसके बड़े भाई रामनिवास रूप चंद्राराम की भी सदमा लगा और वो भी बेहोश होकर गिर गई। तो उनको भी जस्ट उसके बाद में ही बीडी के हॉस्पिटल ले गया है, तो डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कर मर्ग में दर्ज कर जांच की जा रही है। दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिजनों को सपोर्ट कर दिया है।